हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है पेपर थर्ड एलगी, और एलगी में हमारा हॉट टॉपिक जो अभी चल रहा है वो है एल्गल सेल्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब हो गया प्रकाश संश्लेषी वर्णक, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषी वर्णक की अगर अपन बात करें तो ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण। एक्चुअली में भोजन का मतलब स्टार्च, और स्टार्च जो है वो पादप समुदाय की अगर अपन बात करें, पादप तो पादपों में संचित भोजन या भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। टॉपिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक, पहले की बात नहीं करेंगे हम, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज नई आधुनिक रिसर्च टेक्नोलॉजी से आज हम पूर्ण तरीके से फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म जो है उसको ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, या एक्सपेरिमेंटल बेस पे हम उसे क्या कर सके हैं, प्रूफ कर सके हैं कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक एक्चुअली में करते क्या है। तो थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता देता हूँ, नॉट इन एल्गी, एक हायर प्लांट्स के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी जो हैं वो ट्वेल्थ क्लास के अंदर, मतलब इलेवंथ क्लास में जो हैं, आप क्या पढ़े आए, एक तरीके से रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से पहले फोटोसिंथेसिस, ये दोनों के दोनों फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं। कैसे, प्रकाश संश्लेषण में भोजन का निर्माण हो रहा है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है, और वहीं रेस्पिरेशन जो है श्वसन वो उस बड़े यौगिक को जो है, कंपाउंड को जो है वो ब्रेक करके छोटे कंपाउंड्स में तोड़ रहा है, और उसके इस तोड़ने की जो प्रोसेसिंग है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, एनर्जी जो है उससे क्या होती है, प्रोड्यूस, और वही एनर्जी अब जितनी भी और मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, चाहे कोशिका का डिवीजन हो, सेल डिवीजन, चाहे किसी कोशिका का क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हो, इलोंगेशन हो, कोई न्यूरॉन ट्रांसमिशन हो, किसी एंजाइम की एक्टिविटी हो, हर प्रकार की क्रिया जो है वो उस एनर्जी से कंट्रोल हो जाती है। तो सिंपल वे में तो हम केवल इतना से कहते हैं कि इनटू द प्रकाश संश्लेषण CO2 प्लस H2O, क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O ये मिलते हैं, और यहाँ पर सूरज से आने वाले फोटोन्स काम करते हैं, ठीक है, सनलाइट, और इस पूरी प्रोसेस में कुछ फैक्टर्स एंड एंजाइम्स, इस पूरी प्रोसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, या कंट्रोल करना और स्टिमुलेट करना दोनों काम, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम 6-6 मॉलिक्यूल्स, 6 और 12 मॉलिक्यूल्स ऐड करें तो यहाँ पे बन जाएगा C6H12O6, दैट इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ हेक्सोज शुगर।
और इस हेक्सोज शुगर की हम बात करें तो हम इन्हें हेक्सोज बोलते हैं। अब इसी की अगर अपन बात करें तो ये एक्चुअली में प्लांट बॉडी या हमारी बॉडी में चार रूपों में है, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लैक्टोज एंड फ्रैक्टोज। ठीक है, तो हम यहाँ पर्टिकुलर एक नाम नहीं दे रहे, हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं स्टार्च। लेकिन अगर अपन स्टार्च के लिए इस फॉर्मूले की बात करें तो स्टार्च के लिए फॉर्मूला लागू नहीं होता, ये फॉर्मूला हेक्सो शुगर का है, चाहे फ्रक्टोज की बात करें चाहे ग्लूकोज की बात करें। लेकिन अगर अपन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जोड़ जोड़ के एक चेन बनाए तो वो चेन जो है वो कॉम्पैक्ट संरचना के रूप में स्टार्च बन जाती है। तो स्टार्च बेसिकली अगर अपन कहें तो किससे मिलके बन रही है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। तो यहाँ कुछ अलग जैसे कि अमाइलेज एंड अमाइलोपेक्टिन्स का कॉम्बिनेशन होता है स्टार्च, तो एक बहुत बाद की घटना है। ठीक है, हम यहाँ पे केवल इतना सा बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के संघनन से और ब्रेकडाउन से क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक हल्का सा यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिखाऊं, ठीक है, तो ब्रेकडाउन दिखाऊं तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन है और यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन है। यहाँ पे क्या क्या जुड़ गया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ की ऑक्सीजन यहीं रह जाती है और यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ आ जाती है, नहीं, चेंजेज है। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो कार्बन है वो किसके द्वारा दिया गया है, सी के द्वारा, मतलब CO2 के द्वारा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हो जाता है वातावरण में रिलीज। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कौन सा वाला है, वाटर वाला, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स 12 थे, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए और इन्होंने यहाँ पे क्या किया, संघनन किया, तो C6H12O6। लेकिन यहाँ पे O कितने हैं, 12, और H कितने हैं, 24। तो हम क्या कर देंगे, बाकी के ये हो गया O2, तो O2 कितने निकले, 6 × 12, तो ये 6 मॉलिक्यूल्स O2 के बना दीजिए और इसे वातावरण में क्या कर दीजिए, रिलीज। तो जरूरी नहीं है ये वातावरण में रिलीज हो, पत्ती द्वारा सिक्रेट की जा रही है बाइस्टोबेटा, तो वहीं पे कंजप्शन दिन के समय में, रेस्पिरेशन में, रात के समय में ये बनेगी नहीं क्योंकि प्रकाश नहीं होता, तो ये कंजप हो जाती है। प्लस अभी हमारे पास क्या बच गए, 6H2O मॉलिक्यूल और बच गए हैं, तो जल के अणु अभी भी बच रहे हैं पूरी रिएक्शन करने के बाद। तो ये जो जल के अणु बन रहे हैं ये यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेकडाउन होने के बाद, हो सकता है ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ के भी बन रहे हों। तो ये एक बहुत अलग फिलॉसफी या अलग थ्योरम है फोटोसिंथेसिस की, जो हम नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे, यहाँ केवल एक बेसिक। तो आप ये सोचें कि हमको टॉपिक दिया गया है प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट और हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की, तो ये नेसेसरी है आपको समझने के लिए, ताकि हम बैकग्राउंड को समझ सकें कि ये हो कैसे रहा है। तो इसको अगर अपन समझें तो यहाँ मैं एल्गी से नहीं, हायर प्लांट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज प्लांट लीफ, प्लांट लीफ के अंदर ये हो गए स्टोमेटल गार्ड सेल्स, जहां से CO2 का आना जाना दोनों डायरेक्शन में दिखा देता हूं और O2 का भी आना जाना दोनों डायरेक्शन में दिखा देता हूं। फॉर फोटोसिंथेसिस तो CO2 अंदर जाएगी और फॉर रेस्पिरेशन CO2 बाहर जा रही है, इस तरीके से। दीज आर स्टोमेटा स्ट्रक्चर्स। स्टोमेटा स्ट्रक्चर से अंदर अगर अपन चले तो ये हो गया इनकी गार्ड सेल्स, गार्ड सेल के पास की सब्सिडरी सेल्स और सब्सिडरी सेल्स के बाद में मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स की अगर हम कह रहे हैं तो ये मीजोफिल सेल्स, और मीजोफिल सेल्स के अंदर ये हम केंद्रक मान लेते हैं क्योंकि पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, और ये इनके अंदर कुछ लवक समान संरचना। एक्चुअली में लवक की जो पोजिशन है वो हम फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन हम इसको एक सर्क्यूलर या चपटाकार आकृति के रूप में लवकों को दिखा देते हैं। ठीक है, और इन लवकों की हम बात करें तो इन लवकों के अंदर हम जो है ग्रेना थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स का एक चपटे ढेर के रूप में इनको यहाँ पे दर्शा देते हैं। तो इसी संरचना को मैं और बड़ा कर दूँ तो ये हो गया लवक की संरचना जो कि दोहरी झिल्ली युक्त होती है, और ये हो गए इनके अंदर ग्रेना, सिंगल यूनिट जो है दैट इज ग्रेनम, और जो पूरा का पूरा ढेर आपको दिख रहा है स्टैकिंग, दैट इज ग्रेना। ठीक है, अब यहाँ अगर अपन आगे बढ़े तो आपको कोशिका में ये तो दिख गया केंद्रक और ये दिख गए क्लोरोप्लास्ट,
अब माइट्रोकॉन्ड्रिया और आदि की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक्चुअली में इनकी पोजीशन ऐसे नहीं होती है। ये केवल एक समझने के लिए है, बेसिक क्राइटेरिया है समझने का। जबकि अगर अपन बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना है वो चपटी, डिस्कॉइड और ब्रांच तक होती है, एक जाल के समान संरचना बना लेती है पूरी कोशिका को, जो कि यांत्रिक बल भी देती है और प्रकाश संश्लेषी क्षेत्रफल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो ये एलोंगेटेड संरचनाओं के रूप में फीते क्रम संरचना में या रेटिकुलेट जालिका व्रत संरचना में पूरी कोशिका को घेरे रहते हैं, और पत्ती की ऊपर सरफेस में ज़्यादा, पत्ती की लोअर सरफेस में कम। जवान मतलब जो न्यू लीव्स की अगर अपन बात करें, यंग लीव्स की, तो उनके अंदर जो है इनकी संख्या ज़्यादा मैच्योर, एंड जो जीर्णता के पास कोशिका पहुंच चुकी है, पत्ती पहुंच चुकी है, या मतलब परिपक्व या ओल्ड लीफ है, उनके अंदर इनका जो है संश्लेषण क्या हो जाता है, कम। दैट इज क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में अगर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की हम बात करें, तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन को जब हम रैप्चर करते हैं, तो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन हमें यहाँ पे जो ग्रेना स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में डबल नहीं होगी, ये बिल्कुल इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको दो मेम्ब्रेन दिख रही है, एक और एक, ये दो दिख रही है, जबकि एक्चुअली में एक ये है और एक ये है। इन दोनों के बीच में क्वांटासोम्स जो हैं वो क्या है, उपस्थित हैं एक कणीय रूप में, ये क्वांटासोम्स हो गए। जब हम ऊपर की लेयर को हटाते हैं, ठीक है, तो उनमें ये क्वांटासोम्स दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक कणिका में संरचना लगभग 200 से 250 एंगस्ट्रॉम की संरचना है क्वांटासोम्स, और उन क्वांटासोम्स के अंदर जो हैं वो पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन है। हम बात कर रहे हैं किसकी, एल्गी की। एल्गी को हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन में अभी पढ़ के आए हैं और हमने समझा है कि ज़्यादातर एल्गी तो एक कोशिकीय हैं, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोशिकाएं बहुकोशिकीय हैं भी थैलस, तो वो बहुकोशिकीय कोशिकाएं भी कैसी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, उनमें लेबर डिफ्रेंशिएशन नहीं है, कोशिकाओं में टिश्यू नहीं है। जब कोशिकाओं में टिश्यू सिस्टम डेवलपमेंट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें लाइक स्ट्रोमेटास, लाइक मीजोफिल सेल्स, लाइक पूरा का पूरा गार्ड एपरेटस जो है वो नहीं डेवलप होगा। तो इनमें ज़्यादातर गैसेज का आना जाना भी किसके द्वारा होता है, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। लेबरिंग कनेक्टिविटी जो है उनके बीच में नहीं है, बहुत कम, धीरे धीरे एडवांस हो रहा है, लेकिन ये प्रिमिटिव टाइप है। तो इनमें प्राप्त क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होगा, सिंपल फॉर्म के अंदर ही होगा, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होगा। तो अगर अपन एल्गीज की बात करें, तो पहली बात तो इनकी संख्या, यहाँ पे अगर आप संख्या की बात करें, तो जैसे कि अगर अपन क्लोरोप्लास्ट को तरुण पत्तियों की बात करें, या जैसे कि उसमें कोई भी एक सेकेंड डाइकॉट लीव की अगर अपन बात करें, तो उसके अंदर पर स्क्वायर एमएम एरिया की बात करें, तो उसमें भी लगभग 1 लाख से 2.5 लाख तक क्लोरोप्लास्ट सेल्स के अंदर उपस्थित, अर्थात इनकी संख्या लगभग 10,000 से 40,000 पर सेल तक भी संख्या जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन एल्गी की बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे पूरी संख्या में इस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट ही नहीं मिलेगा। वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है बहुत ही सिंपल संरचना के रूप में देखने को मिल सकता है, अर्थात यहाँ आप देखिए एक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट दिखा दिए 4, उस क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की हमने स्टैकिंग दिखा दी। अगर हम पूरी स्टैकिंग को ना बनाकर केवल एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ही दिखाएं, तो और वो भी बिना किसी मेम्ब्रेन के, केवल एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के रूप में, दैट इज क्रोम, तो हम वहाँ उनको नाम दे देते हैं कई बार क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर एंड क्लोरोप्लास्ट में भी काफ़ी अंतर है, जिसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल यहाँ केवल इतना सा कि एल्गी जो हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में सरल यौगिकों को जोड़कर संघनित करके जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाने की एबिलिटी रखती हैं, और वो जटिल कार्बनिक पदार्थ उनके रिजर्व फूड स्टार्च के रूप में होता है, इसलिए हम एल्गीज को ऑटोट्रॉपिक भी कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब स्वयंपोषी, और स्वयंपोषी हैं तो उनके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा इक्विपमेंट होना चाहिए जो सन की रेज या फोटोन्स को कैच करे और फोटो एक्टिव रिएक्शन कंप्लीट करे। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो फोटोसिंथेसिस की इस पूरी प्रोसेस को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली प्रोसेस जो कि इन फोटोन्स को ग्रहण करती है और एंजाइम एंड फैक्टर्स यूज में लेते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण, फोटो फॉस्फोराइलेशन, जिसे दो स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
ठीक है, एंड देन सेकंड जो प्रोसेस होती है अंधकार जिसकी रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, एक्चुअली में अंधकार से कोई मतलब नहीं है वहाँ पे, वहाँ पे मतलब है कि वो होती है स्ट्रोमा में, और जो पहली रिएक्शन है वो होती है किसमें, थायलेकोइड मेम्ब्रेन में। तो वो रिएक्शन जो होती है उसे हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और कुछ विशिष्ट अडेप्टेशन थे जिनके अंदर C4 साइकिल के रूप में भी वो पाई जाती है, जिनमें क्रेंज एनाटॉमी थी। तो वही सारी संरचना यहाँ हो रही है धीरे धीरे। लेकिन अगर हम कहें कि इतना एडवांस है, इतना नहीं है, बहुत ही सिंपल और सरल, एक संख्या में दो, या जैसे अगर अपन बात करें पॉलीसाइफोनिया या कारा जो थोड़े से एडवांस हो गए, उनमें संख्या में ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, एक चीज। दूसरा, अगर अपन बात करें क्लोरोप्लास्ट में थायलेकोइड मेम्ब्रेन्स की, तो इनकी भी साइज और शेप और नंबर में काफ़ी विभेदन और अंतर देखने को मिलता है। तो अभी हम वही यहाँ पे समझते हैं। तो अब एल्गीज का शुरू करते हैं, जिसमें हमको समझना है टाइप एंड डिफरेंशिएशन या वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब विविधता, भिन्न भिन्न प्रकार की विविधताएं। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करें तो क्लेमाइडोमोनास की बात कर देते हैं। क्लेमाइडोमोनास में इसकी संख्या जो है वो कितनी है, केवल एक एकल, और वो भी कैसी है, सी शेप या यू आकार की। ये संख्या में एक, आकार में बड़ा, सिंगल थायलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वही इसको क्या कर रही है, क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। यह अलग से आपको दिख गया होगा, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास वैसे भी एकल कोशिकीय संरचना है, और ये इसके अंदर हो गया न्यूक्लियस। एंड पायरेनॉइड की अगर अपन बात करें तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों में पायरेनॉइड संरचना जो है वो ज़्यादा नहीं पाई जाती, अनुपस्थिति होती है। तो ये हो गया क्लेमाइडोमोनास। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा, अगर अपन एक एग्जांपल ले ले जिग्निमा, तो जिग्निमा में संरचना जो है उसकी एक ही है, जिग्निमा की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशन थोड़ा सा देखें तो इसमें स्टार से वो सॉरी दो क्लोरोप्लास्ट हैं, और उनकी शेप जो है वो स्टिलेट या स्टार शेप आ जाती है। ठीक है, स्टार शेप।
हेलो ठीक है, जिग्नेमा की अगर अपन बात करें तो थोड़ा स्टार टाइप है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कारा, यूलोथ्रेक्स, ठीक है, उसके अलावा क्लेडोफोरा, ठीक है, इनमें संख्या में वेरिएशंस हैं लेकिन संख्या में ये एक से ज़्यादा टाइप के हैं। जैसे अगर अपन कारा की बात करें तो कारा में इन्हीं की जो संरचना है वो डिस्कॉइड टाइप है। संख्या में मैनी मोर है अनेक, लेकिन कैसे हैं? डिस्कॉइड। डिस्कॉइड के लिए अगर अपन बात करूँ तो चक्रीय है या तस्तरी के रूप में, जैसे कि जिनके किनारे चपटे और बीच में से हल्के से फूली हुई संरचना, जैसे जो दीर्घ वृत्ताकार होती है ना, उस संरचना से थोड़ा सा चेंज। ठीक है, उस संरचना से थोड़ा सा चेंज, डिस्कॉइड टाइप। और सिंगल एक परतीय जो है इनके अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होती है। वहीं अगर अपन यूलोथ्रिक्स की बात करें तो इसमें भी अनेक हैं लेकिन कैसे हो गए? ग्रिडल से। ग्रिडल में अगर अपन बात करें तो ग्रिडल वही यूलोथ्रिक्स, ऐसे ही फिलामेंटस है, सिंपल फिलामेंटस, और सिंपल फिलामेंटस के अंदर इनकी जो शेप है वो ग्रिडल, मतलब मेखला टाइप कह सकते हैं इसको। जो ये हमारी श्रोणि मेखला टाइप होती हैं, ग्रिडल टाइप, उस तरह के की, मतलब दीर्घ वृत्ताकार संरचनाएं या के रूप में ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लेडोफोरा की अगर अपन बात करें क्लेडोफोरा भी सिंपल फिलामेंटस एंड क्लेडोफोरा में एक्चुअली में अगर अपन कहें तो रेटिकुलेट बना देते हैं जाली का वृत्त, ठीक है। और यूलोथ्रिक्स में अगर थोड़ा सा चेंज करें तो एक्चुअली में इसकी स्ट्रक्चर हम पूरी तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ग्रिडल या मेखला की हम बात करें तो मेखला को हम इस तरीके से दिखाते हैं, एक मतलब थोड़ा बटरफ्लाई टाइप में।
यूं ही दिखा देते हैं बटरफ्लाई टाइप में, मतलब ताराकार आकृति या फिलामेंटस आकृति के थोड़ा सा अलग टाइप से संरचना होती है जो पूरी कोशिका में घेरे हुए रहती है उसको चारों तरफ से। वहीं अगर अपन कुछ की बात करें तो अनियमित शेप है, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं, रेटिकुलेट हो जाते हैं बाद में और अनियमित साइज के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो केवल एक वेरिएशन है न्यूटाइप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की हम बात करें तो पिगमेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी जो आ जाती है वो आ जाती है क्लोरो, ठीक है, और एक इसी के अंदर आ जाते हैं क्रोमो, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में समझना। यहां पे क्रोमो का मतलब कह सकते हैं कि कलरफुल है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण सक्रियता या असक्रियता की हम बात नहीं करेंगे। इनका कार्य जो है हल्का सा रंग देने के समान है, और उससे ज़्यादा अगर अपन बात करें तो ये स्टोरेज से समान है। जैसे अगर अपन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दें तो अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, ये कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो क्या अंतर है इनके अंदर, अमाइलो जिम्मेदार हो गया स्टोरेज फॉर स्टार्च, ठीक है, एल्यूरो की बात करें तो एल्यूरॉन लेयर, ये हो गया किसके लिए, फॉर प्रोटीन्स। ये ज़्यादातर हमें कुछ फल और बीजों के अंदर ये संरचना ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और एलियो की अगर अपन बात करें या ओलियोसोम्स की हम बात करें तो ये एक तरीके से हो गया फॉर ऑयल या फैट, ठीक है। तो इनका काम जो है प्रकाश संश्लेषण से नहीं है, कभी कभी ये रंग प्रदान करते हैं, अर्थात ये रंगहीन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इनके काम जो है वो किसका है, स्टोरेज से संबंधित है। वहीं अगर अपन इनमें क्रोमोज के अंदर आते हैं तो क्रोमो का मतलब अगर अपन रंग की बात करें तो रंग के अंदर हम नाम दे देते हैं, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट और एक हो गया क्रोमेटो फोर, ठीक है, सिंपल वे में। तो क्लोरोप्लास्ट को अगर अपन डिफाइन करें तो क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन कलर, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन कलर। और यहाँ क्रोमेटोफोर्स की हम बात करें तो ये रंगीन बता देते हैं, ग्रीन के अलावा भी अगर अपन बात करें तो लाल, पीले, नारंगी टाइप, नारंगी और भूरे टाइप से अगर अपन बात करें। क्लोरो में मेनली अगर अपन बात करें यहाँ पे तो हम बात करेंगे किसकी, क्लोरोफिल,